अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एग्जांपल नंबर 4 करना है, डिटरमिनेंट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 एंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स की पावर अल्फा माइनस 1। पर डेफिनेशन ऑफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 ओवर पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 साइन के एक्स इंटू डी एक्स, एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 ओवर पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 कॉस के एक्स इंटू डी एक्स। फर्स्ट इक्वेशन में जो इंटीग्रल है, जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 साइन के एक्स इंटू डी एक्स, इसको L2 से डिनोट करने, और जो सेकेंड इक्वेशन में इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 कॉस के एक्स इंटू डी एक्स, इसको I1 से डिनोट करने। अब हमने इन इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है बाय कंसीडरिंग अ कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन z की पावर अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस k z, वेयर अल्फा लाइज बिटवीन 0 एंड 1। चूंकि जो ऊपर इंटीग्रल I1 और I2 गिवन है, ये डायरेक्टली कॉमन रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन से कैलकुलेट नहीं होते, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन हम कैलकुलेट करेंगे कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट से। तो कंसीडर द कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन विच इज़ डिफाइंड इन ए अलोंग द क्लोज कर्व विच इज़ शोन इन फिगर फ्रॉम ए टू बी, बी टू ई, ई टू एफ और एफ टू ए। Then by Cauchy theorem, close integral along the curve which is given in the figure of the complex value function which is defined in A is equal to 0. Close interval ko sum of the curve of the integral along the curve of the integral of the complex value function bhi likha ja sakta hai. So close integral of f of d is equal to 0 implies that integral of f of z along the curve a to b plus integral of f of z along the curve c1 plus e to f integral of f of z and plus integral of f of z along the curve c2 equal to 0. Considering the limit epsilon tends to 0 and r tends to 0 and r tends to 0, then by Jordan lemma the integral along curve c1 is equal to 0 and the integral along curve c2 equal to 0. This result for complex analysis. So equation jo above equation hai usme इंटीग्रल अलोंग c1 प्लस इंटीग्रल अलोंग c2 इक्वल टू 0 पुट करके हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जी अलोंग ए टू बी प्लस इंटीग्रल अलोंग एफ ऑफ जी ए टू एफ इज इक्वल टू 0। अब अलोंग द कर्व ए टू बी एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 ए की पावर माइनस के एक्स इंटू डी एक्स बिकॉज द इमेजिनरी पार्ट along this curve is equal to 0 plus r2 epsilon iota y ki power alpha minus 1 e ki power minus iota k y iota into dy equal to 0 because imaginary part real part of f of z along the curve e to f is equal to 0. इमेजरी पर जो सेकंड इंटीग्रल है अबव इक्वेशन में, उसको राइट साइड पे ले जाएं तो नेगेटिव साइन साथ आ जाएगा। सिंपलीफाई करें और आयोटा की पावर अल्फा से इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो वी हैव आयोटा की पावर माइनस अल्फा
इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एक्स जेड एक्स की पावर अल्फा माइनस वन इंटू की पावर माइनस के एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी वाई की पावर अल्फा माइनस वन ई की पावर माइनस आयोटा के वाई इंटू डी वाई बिकॉज आयोटा की पावर अल्फा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू होल अल्फा। अगर इसको आप सॉल्व करें डी मॉरल्स थ्योरम को यूज़ करते हुए, अगर आप इसको सॉल्व करें बल्कि डी मॉरल्स थ्योरम को क्या यूज़ करना है डायरेक्टली भी, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं आयोटा की पावर अल्फा इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई टू अल्फा। ये वैल्यू आयोटा की पावर अल्फा की जो वैल्यू है, आयोटा की पावर माइनस अल्फा की जो वैल्यू है, वो ऊपर इक्वेशन में पुट कर दें। तो ऊपर इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई अल्फा इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर अल्फा माइनस वन ई की पावर माइनस के एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर वाई अल्फा वाई की पावर अल्फा माइनस वन ई की पावर माइनस आयोटा के वाई इंटू डी वाई। ये को आप कॉल लें और उसके बाद सेपरेट करें रियल और इमेजनरी पार्ट, देन वी गेट इक्वेशन वन एंड टू। पुट करें एक्स इक्वल टू वाई इन वन एंड टू तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर अल्फा माइनस वन कॉस के एक्स इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू कॉस पाई बाई टू इंटू अल्फा जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर अल्फा माइनस वन ई की पावर माइनस के एक्स इंटू डी एक्स और इसी तरह टू इम्प्लाइज हो जाएगा। इन इंटीग्रल की वैल्यूज़ जो है वो जो स्टार्ट में हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स की पावर अल्फा माइनस वन का और एक्स की पावर अल्फा माइनस वन का डिफाइन किया था फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म, वहाँ वैल्यू पुट कर दें और तो नाउ कंसीडर द इक्वेशन थ्री इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर अल्फा माइनस वन कॉस के एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई बाई टू इंटू अल्फा जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर अल्फा माइनस वन ई की पावर माइनस के एक्स इंटू डी एक्स multiplying the equation by square root or 2 pi on both sides then we get Fourier cosine transform of x power alpha minus 1 square root 2 or pi cos pi by 2 into alpha integral from 0 to infinity x power alpha minus 1 e power minus k x into dx jo is equation mein integral hai usme minus usme jo k x hai usko t ke equal put kar dein तो x आपके पास t बाई के आ जाएगा, लिमिट भी चेंज होगी तो लिमिट व्हेन x इज इक्वल टू जीरो देन t इक्वल टू जीरो व्हेन x इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन t इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी dx एक्स इज इक्वल टू डी के बाई के। ये वैल्यू पुट कर दें सिंप्लीफाई करें तो ये इंटीग्रल आपके पास रिड्यूस हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी t की पावर अल्फा माइनस वन ई पावर माइनस टी इंटू डी टी विच इज द गेम फंक्शन ऑफ अल्फा। तो यूज द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन तो वी गेट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स इक्वल अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू पाई कॉस पाई बाई टू इंटू अल्फा एंड गामा फंक्शन ऑफ अल्फा बाई के की पावर अल्फा। नाउ कंसिडर द इक्वेशन फोर और इसी तरह मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट टू बाई पाई से और गामा फंक्शन के डेफिनेशन को यूज करें तो वी गेट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स की पावर अल्फा माइनस वन विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू पाई साइन पाई अल्फा बाई टू स्क्वायर रूट गामा फंक्शन ऑफ अल्फा के की पावर अल्फा।